Brony. की करे छे ब्रोनी? खाना खा लियो? खाना खा लियो? ओफो ब्रोनी मच्छर काट रहा। बाल दिखा दो अपना। इधर देखो फेस दिखा अपना। ओहो ब्रोनी बस। हाँ खा जा मेरे पैर। और तेरे को नहीं मिलता ना कुछ खाने के लिए? और तो तेरे को मिलता ही नहीं कुछ खाने के लिए? और मिलता कि नहीं तेरे को कुछ खाने के लिए? नहीं बोल दे, नहीं बोल, बोल ब्रोनी बोल। खाना नहीं मिला तेरे को? बोल। खाया अभी? खाया तब भी मेरा पैर। खाना इसको खाया कि नहीं अभी तू? खाना बोल। मैं जा रहा ब्रोनी, बाय बाय। बहुत मच्छर है यार गाइस, छत पे हवा तो चल रहा है सही, लेकिन मच्छर भी है। चल ब्रोनी चलते नीचे चले। गाइस तो फाइनली आज मैं गया हुआ था डॉक्टर के पास, और सब कुछ स्टिचेस वगैरह तो पहले ही कर चुकी हैं। तो डॉक्टर ने फाइनली मुझे, मतलब अब मैं खा सकता हूँ सब कुछ नॉर्मली एज इट इज़ जैसे मैं खाता था, लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखूँगा बाहर का उतना ना खाऊँ पहले की तरह। पहले तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता था, हद से ज़्यादा यार, लेकिन तब भी मैं उतना नहीं खाता था। गाइस उतना मुझे पता नहीं यार, जो मुझे जानते वही सब बता सकते हैं कि मैं क्या ज़्यादा खा गया क्या नहीं। हफ्फा लगा के कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा। और बाकी उधर बाहर के चिकन वो भी काफ़ी ऑयल वाले, वो सब काफ़ी ठूस ठूस के खा रहा था ना, इस वजह से हो गया। लेकिन अब बस हम लोग खाएंगे हेल्दी 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 और कुछ नहीं। सोनी चले नीचे, नीचे चले, नीचे चले, मच्छर काट रहा है। चलो आ जाओ, चलते गाइस नीचे। क्या करेंगे ऊपर, नीचे मस्त अपना एसी चलाते हैं, वहीं पर सोएंगे। यहाँ पे तो मच्छर ने काट के भाई लाल कर दिया। आ जा तू भी आ जा, चलो। हे गाइस वेलकम बैक। तो आज है संडे, तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्रोनी का बाल कट, क्योंकि इसके बाल में बहुत सारे चट्टे हो गए हैं भाइयो। तो आओ आपको दिखाए कहाँ पे, इधर आ ब्रोनी, अबे चल इधर आ। अरे ये भाग ही जा रहा है, एक तो मेरे को रूम बंद करना पड़ा, ये देखो काट रहा साला, क्योंकि वहाँ नहीं रहता है। इधर आ गया। तो अब हम लोग करेंगे इसका बाल कट। कुछ बाल मैंने अभी यहाँ पे कट किया है, बाकी अभी रह गया है, तो वो भी अभी हम लोग करेंगे कट। पहले इसको कंफर्टेबल कर लेते हैं प्रोनी, अब करते हैं फिलहाल इसका बाल कट। एक पैर का तो मैंने कर दिया है, थोड़ा सा रह गया है और कट कर देते हैं। फिर ब्रोनी की होगी बाथिंग, फिर आज हम इसको नहा भी देंगे, क्योंकि उधर तो मुझे सर्जरी हो रखी थी तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। ऐसी रह
टॉप से ब्लड जो कड़क रहा नहीं कटवाएगा बाल किसी नहीं करते। चल बाल कटवा ऐसे ऐसे बैठ जा भाई बहन। चल जितना जल्दी करेगा उतना जल्दी तू भाग पाएगा, भाग पहले नहीं सकता। आराम से रहना ब्रॉनी, कैसे करता है तुम ऐसे? रुक जा भाई रुक जा रुक जा। पानी एक घंटा लग गया मुझे इसके बाल काटने में, बाल काटते ही भाग गया। ये देखो इतने सारे बाल कटे हुए, ये इतना इकट्ठा हुआ। रानी क्या इतने बाल कटे? अब शांति से बैठ गया। अब गाइस इसको नहा देते हैं, फिर नहाने के बाद मेरा काम ख़त्म और फिर मैं नहा लूँगा, फिर चलते छत पे इसको नहाते हैं। बुला रहा हूँ आओ पानी नहाना है ना, सब पकड़ के नहा कर नहाने के टाइम तो आने नहीं ऊपर। चल नहाने चल जल्दी ऊपर चल ऊपर चल चलो। अच्छा 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 घर में मत जा, इधर आ इधर आ जल्दी चल ऊपर चल चल ना भाई चल। अच्छा चल चल नहाने का टाइम देख लो काम भाग जाता है। तू गंदा कर देगा ना, पानी आ रहा है पहले देखो। आओ इधर चल, पानी तो आ गया ब्रोनी। चलो अब भाग मत, नहाना है यहाँ पे जल्दी आओ। अरे यार इसका पट्टा मैं लेके नहीं आया, फिर भाग जाएगा। मैं लेके आता पहले इसका पैंट। तो आज गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ अपने कुत्ते को घर पे ही सस्ते में कैसे नहाए। तो पहले तुम लोग इसको कर लेंगे यहाँ पे टाई ताकि ये दूर ना भागे, और एक सस्ता सा शैम्पू छोटा सा डब्बा आ रहा है अभी तो पानी में गर्म है, नॉर्मल करना पड़ेगा। हो गया नॉर्मल हो गया पानी, बस आ जाओ काटने का कोई फायदा नहीं, पुरानी नहाना तो पड़ेगा ही। नहाने का टाइम तो ही चल रहा है, अब देखो ये कैसे बनता है सेल से चूहा, क्योंकि मैं इसको नहा नहीं। जितने भी टॉय ब्रीड है ना नहाने के बाद चूहे हो जाते हैं। रॉनी नहाते नहाते कई महीना टाइम हो जाओ। अबे इतना तेज धूप जल्दी हो गया।
अबे यार अभी मत खा। तो वो भी जानता है अच्छे से नवा रहा हूँ, नवा ले वहां से चुपचाप। गाइस आप लोग भी ऐसे करके पैसा बचा सकते हैं जैसे मैं बचा रहा हूँ। अभी कुछ पैसे नहीं बचेंगे, बाहर जाओगे तो मैं ही झंझट होगा। बाकी अगर आप बेड पाल रहे हो तो नवाना तो जरूरी है ना, वैसे भी गर्मी है। शैम्पू से तो एक बार, बाकी आप वीकली 2-3 बार आप इसको नॉर्मली पानी से नवा दो। नहाने से क्यों भागता है ब्रो? नहीं तो ठंड लग रहा तेरे को, इतना गर्मी है बता। नीचे भाग ही जा रहा था। हो गया बस, तो नॉर्मल था वैसे ही भाग ही जा रहा था। चल ऐसे तो माने नहीं, इधर सीधा एक एक रुकना वह है नहीं, खाने जा रहा है। रुक आग मत, शैम्पू फिर चाटेगा तू खा ले, कब पता मेरे को। पीछे 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 रुक जा। रुक 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 अब मैं रहूँगा तेरे पास, नीचे जाते हैं ऊपर ऊपर की रूम का लाइफ में तुम घर में ही रहने से। अबे रुकना ब्रोनी, चल चल छुपा ले। बस 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 नहीं मिलता ना। तो गाइस अभी मेरा कुत्ता हो गया है बिल्ला, चूहा सॉरी बिल्ला नहीं, बिल्ला तो पहले देख रहा था, अब ये बन गया चूहा। नहाने के बाद देखो इसकी
लीन बॉडी। ये रहा तेरा टॉवेल, आ जा। देखिए क्या ठीक हो रखा है, ये ठीक होने भी लगे। वाह गाइस, आप लोग कभी भी अगर ठीक हो ना डॉग को, उसको कभी पुल करके खींच के मत निकालो, हल्के से। अरे ये ठीक यार, पत्थर पर चीजें करनी है, ठीक से बचा के रखो अपने डॉग को, बहुत प्रॉब्लम करती है। हो गया हो गया, बाकी अब इसकी कंघी कर दूं, फिर मेरा काम खत्म है यार, फिर हम भी नहाएंगे। अबे रुक, पहले गाइस को मैंने नहा दिया, अब चलते हैं नीचे और जाके अब मैं भी नहा लूँ। ये देखो सलून नहा इसलिए था तेरे को, चल नीचे। तो गाइस चलते हैं अब नीचे, चल नीचे चल। गाइस मिलते हैं थोड़ा देर बाद, अब मैं भी नहा लूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब देखो बालों की साइन नहाने के बाद, और वो जो दादी के नुस्खे हैं ना वो लगाने के बाद बालों में क्या साइन आती है, आप खुद देखो, देख रहे हो। मतलब ये सेट तो मैंने बाहर आने के बाद किया है, अंदर में ऐसा सेट नहीं था। बाकी यार चिकन खाए हुए बहुत दिन हो गए, जिम नहीं जाएंगे बट चिकन ज़रूर खाएंगे। बाल देख लो सेट हो गए ना, बिना हवा के सेट तो नहीं है, उतने नहीं है बट हैं थोड़े मोड़े। ब्रोनी को दिखाता हूँ उसका क्या है। ब्रोनी तू क्या कर रहा है, ये देखो क्या सही है, खाने के बाद खाएगा कुछ। हाँ रुक जा देता हूँ अभी, रुक 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 यार, ब्रॉनी को मैं कुछ दे देना चाहिए। आ गया गाइस बिरयानी, आज बहुत दिन बाद खाएंगे बिरयानी। डॉक्टर ने मसाला कम खाने का बोला है, लेकिन मैंने बिरयानी मंगाया है एक जान पहचान शॉप से, जो कि अभी बिल्कुल नया ही खोला है, तो बस आने वाला है भाई, काफ़ी दिन बाद खाऊंगा बिरयानी, पूछो मत। अप्रॉक्स एक मंथ तो उधर ही हो गया था जब मैं बीमार पड़ा हुआ था, और आज और कहा के देखते हैं कैसा आता टेस्ट,
बस आने वाला है, जोमेटो वाला बस पहुंचने वाला है, फिर खाएंगे गाइस बिरयानी, फिर आपको बताते टेस्ट कैसा लगा। आप लोग तो खा ही रहे होंगे, आप लोग बाकी यार घर पे करने को कुछ नहीं है, सो बोर हो रहा हूँ। और क्या, अब बाकी यार कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम बाद हम लोग को नोएडा भी जाना है, तो फिलहाल अभी नहीं, एक काम आने वाला है नोएडा में भी, तो चलेंगे वहाँ पे करेंगे मज़े, लेकिन मज़े करने नहीं जा रहे, मैं अपने पापा के काम से जाना है मुझे, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है उसमें बाद में बताऊँगा। बाकी यार जिम सोच रहा हूँ फिर से स्टार्ट कर दूँ, लेकिन पता नहीं अभी तो स्ट्रेचिंग वगैरह शायद नहीं करना हो, तो देखते हैं जिम जाएंगे। लेकिन ये जो मैं पास वाला जिम जाता था मे भी वो बंद हो गया कि क्या, कल मैं गया हुआ था रास्ते में, लाइट उसकी बंद हुई पड़ी थी, पता ही नहीं लगा। बाकी आज खाएंगे बिरयानी बस, आ जाए जल्दी से। गई अपनी बिरयानी, तो अब खोलते हैं फिर खाएंगे। यस, ये मेरा चिकन रूम है, नॉन वेज, इसमें अपन चिकन विकन सब कुछ खाते हैं। काफी दिन बाद खा रहा हूँ और तो मैं दिखाता हूँ बिरयानी, ये भी बिरयानी, ये अपना रहता, अब मैं खा लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। यम्मी है पूरा, मस्त। मैंने बिरयानी बाहर का मंगाया था, बाहर का इसको आपको अलग से मिलेगा, इसका जो भी रहता है। बाकी यार बहुत टेस्टी लग रहा है, काफी दिन बाद खाया।